हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में रोमन न्यूमेरल्स इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा ओल्ड वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए और उसमें से रोमन न्यूमेरल्स की सभी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। ओके, नाउ हम इस वीडियो में रोमन न्यूमेरल्स चैप्टर का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। मीन्स हमें 1 से 20 तक सभी इंटरनेशनल नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। सो फर्स्टली हम 1 से 20 तक सभी नंबर्स लिखते हैं। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and lastly 20 here. So first तो हमारे पहले वीडियो लेक्चर से हमें ये पता है कि 1 means I, 1 means I, then 2 means double I, then 3 means triple I. अब हमें 4 को लिखना है। सो 4 कैसे लिख सकते हैं? 4 means 5 minus 1, which is equal to I into V or IV simply, because रूल 2 के अनुसार अगर हम I को V के LHS पर लिखेंगे तो ये V से माइनस हो जाएगा। नाउ 5 की वैल्यू हमें हमारे टेबल से पता है। 5 मीन्स V, देन 6 मीन्स VI, देन नेक्स्ट 7 V double I, देन 8 V triple I। अब नेक्स्ट नंबर है 9। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 minus 1 मीन्स I into X, इट इज सिंपली IX। बच्चों, एग्जाम्स में आप ये रोमन नंबर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर अगर आपको ये जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी लिख सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन नेक्स्ट नंबर 10। 10 हमें पता है अपने टेबल से X होता है। देन नेक्स्ट नंबर 11, दैट इज XI, देन 12 XII, 13 X triple I, देन 14। अब 14 कैसे लिख सकते हैं? 10 plus 4। 10 की वैल्यू है X, 4 की वैल्यू IV, सो इट मेक्स XIV। देन नेक्स्ट इज 15। अब 15 लिखना है 10 plus 5, that is X into V, then 16, 10 plus 6, X, V and this I. Then next 10 plus 7, 17 is 10 plus 7, X, V, double I. Then 18, 10 plus 8, which makes X, V, triple I. Then 19, 10 plus 9. 10 कैसे लिखते हैं x and 9 I x. So it makes x I x. And the last value is 20. 20, 10 plus 10 makes x into x. This is the last value. Now हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स. मीन्स हमें यहाँ पर इन रोमन नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट रोमन नंबर इज वी. फर्स्ट रोमन नंबर हमें दिया है वी. अब हमें हमारे टेबल से पता है कि वी की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है. देन वी डबल आई. वी मीन्स 5. Then I means 1 plus a second I means 1. This makes 5 plus 1 plus 1. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. Then x की value होती है 10 directly. Then fourth question, x triple I. x की value है 10. Then I की 1. Second I की 1. Third I की भी 1. Then 10 plus 1 plus 1 plus 1 makes 13. So इस इन रोमन नंबर की वैल्यू ये आ जाएगी इंटरनेशनल न्यूमेरल में. Then next is एक्स आई वी. एक्स की वैल्यू होती है 10 प्लस आई वी मीन्स 5 माइनस 1 दैट इज 4. 10 प्लस 4 मैक्स 14. हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, बाद में ये इसमें ऐड करना है. देन नेक्स्ट नंबर इज एक्स वी आई. एक्स मीन्स 10 प्लस वी मीन्स 5 प्लस आई मीन्स 1. 10 प्लस 5 प्लस 1 मैक्स 16. देन नेक्स्ट रोमन नंबर इज एक्स वी ट्रिपल आई. एक्स मीन्स 10, देन वी मीन्स 5 प्लस I means 1 plus a second I means 1, then last I is 1. 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. 10 plus 5, 15 plus 1, 16, 17 and 18. This makes 18. X V triple I means 18. Then I X. अब ये I जो है वो X के LHS पर लिखा है तो ये इससे माइनस हो जाएगा अपने रूल 2 के अनुसार. देन 10 माइनस 1 इक्वल टू 9. देन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3. फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. मतलब कि हमें ये जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको फिलअप करना है. ये वाला, ये वाला, देन ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे जो ये ऐसे एम्प्टी स्पेसेस है उनको हमें फिलअप करना है नंबर से. ओके here first column is number. first column क्या दिया है हमें numbers का and second column is roman numbers. first number यहाँ पे 3 लिखा है. अब हमें सिर्फ 3 को roman number में convert करके लिखना है. so 3 means 3 equal to 1 plus 1 plus 1. this makes I into I into I. so ये 3 की वैल्यू रोमन नंबर में आ जाएगी. देन V ट्रिपल I, इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है. मतलब जो रोमन न्यूमेरल है वो इंटरनेशनल न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है. अब V की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, ये पता है हमें. देन I 1, ये सेकंड I 1 एंड ये थर्ड I 1. 5 plus 1 makes 8. So ये आ जाएगा इधर E I G H T 8. ये इन्होंने लेटर्स में लिखा है, सो हम भी इन्हें लेटर्स में ही लिखेंगे. देन नेक्स्ट नंबर ये दिया हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल नंबर 6. अब हमें 6 को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है. 6 = 5 + 1. बट हमें पता है कि 5 की वैल्यू v होती है एंड 1 की वैल्यू i. सो इट मेक्स vi. ये रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गए 6 से. देन फोर्थ क्वेश्चन x II. इसे हमें इंटरनेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. x की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस i की वैल्यू 1. देन सेकंड i की 1. 10 + 1 + 1 makes 12. So TWELVE 12 वैल्यू इसकी आ जाएगी. देन नेक्स्ट इज 15. अब 15 को हमें कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल में. अब हम 15 कैसे लिखते हैं 10 + 5. बट हमें पता है 10 की वैल्यू x एंड 5 की वैल्यू v. सो इट मेक्स xv. 15 की वैल्यू xv आ जाएगी. देन नेक्स्ट रोमन नंबर इज xix. अब x मीन्स 10 + ix. अब i ये x के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये इससे माइनस हो जाएगा. सो 10 - 1 ये ब्रैकेट में आ जाएगा. ये सेकंड नंबर 10 + 10 - 1 9. सो इट मेक्स 19. हियर 19 आ जाएगा. हियर आवर थर्ड क्वेश्चन इज ओवर. नाउ we start our question, next question, that is question number 4. Write the numbers using Roman numerals. अब ये जो इंटरनेशनल नंबर्स है वो हमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं. 9, 2, 17, 4, 11 and 18 ये हमें रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9. अब 9 हमें कैसे लिखते हैं हम 10 - 1 मीन्स i × x. देन 2 मीन्स 1 + 1 इक्वल टू i × i. देन 17 कैसे लिखते हैं 10 + 7 which is equal to 10 + 5 + 2 which is equal to xvii. Then 4 को हम कैसे लिखते हैं 5 - 1 which is equal to i × v. Then next is 11. फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट 11 को हम कैसे लिखते हैं 10 + 1 इट मेक्स x × i. एंड देन लास्ट इज 18 को हम कैसे लिखते हैं 10 + 8 दैट इज 10 + 5 + 3 इट इज इक्वल टू xv III. This is the Roman value of 18. Here our fourth question is over. So we start our last question, that is question number 5. In the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put tick in the box. If not, put cross and correct it. Means हमें यहाँ पर एक टेबल दिया गया है. इस टेबल में फर्स्ट कॉलम इंटरनेशनल नंबर है. इसमें 5 इंटरनेशनल नंबर्स दिए हुए हैं. 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. और इन इंटरनेशनल नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करके सेकंड कॉलम में लिखा है। ये ऐसे ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये नंबर्स करेक्ट है या नहीं। अगर ये करेक्ट होंगे तो हमें थर्ड कॉलम में यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करना है अगर करेक्ट हुए तो। अगर ये रॉन्ग हुए तो यहाँ पे यहाँ के बॉक्स में हमें क्रॉस करना है और रॉन्ग नंबर्स को हमें करेक्ट करके फिर से लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4। अब ये 4 को यहाँ पे 4 टाइम्स आई ऐसे लिखा है, बट हम आई को मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं हमारे रूल के अनुसार। सो इट इज रॉन्ग। सो 4 इक्वल टू दिस रोमन नंबर इज रॉन्ग। सो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन इज 6। अब ये 6 को यहाँ वी आई ऐसे लिखा है। 6 को हम कैसे लिखते हैं? 6 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू वी इंटू आई। सो यहाँ पे ये करेक्ट लिखा है। सो यहाँ पे हम टिक करेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 8। अब हम 8 को कैसे लिखते हैं? 8 इक्वल टू 5 प्लस 3। अब 5 मीन्स वी एंड 3 मीन्स ट्रिपल आई। सो यहाँ पे ये जो रोमन नंबर लिखा है वो रॉन्ग है। देन 16 को यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है? एक्स वी आई 16। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 6 विच मेक्स 10 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 10। 10 मीन्स एक्स, देन 5 मीन्स वी एंड 1 मीन्स आई। सो एक्स वी आई इज द रोमन नंबर फॉर 16। सो यहाँ पे इन्होंने ये करेक्ट लिखा है। सो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट इज 15। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 5 विच मेक्स एक्स इंटू वी। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। वी को हम सिर्फ एक बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3-3 बार हम रिपीट नहीं कर सकते, 2 बार भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार वी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये रॉन्ग आ जाएगा। अब 4 को हमने लिखा नहीं था, अब हम लिख देंगे 4 इक्वल टू। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू आई इंटू वी, क्योंकि ये आई अगर हम वी के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे सो ये इसे माइनस हो जाएगा। सो 5 माइनस 1 मेक्स 4। सो फ्रेंड्स, हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।